today we are starting with the very next topic of marketing, that is called consumer behavior. So हम लोग इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द दोज फाइव स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द व्हाट आर द दीज फाइव स्टेजेस ऑफ द बाइंग डिसीजन प्रोसेस और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. सो इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रॉब्लम रिकॉग्निशन एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन सर्च, थर्ड इज द इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, फोर्थ इज परचेस डिसीजन एंड फिफ्थ इज पोस्ट परचेस डिसीजन. तो वी विल ट्राई टू कवर द इन अ वन बाय वन. तो मतलब हम लोग जैसे कोई भी व्हाट एवर द प्रोडक्ट विच वी आर लुकिंग फॉर, हम लोग कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जब भी, तो कहीं ना कहीं पहले दीज फाइव स्टेजेस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. क्योंकि सबसे पहला हो गया प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. पता है आपको जब तक कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी वी विल नॉट बी गो टू द मार्केट. तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड स्टेट एंड द एक्चुअल कंडीशन. मीन्स सपोज दैट इफ यू आर फीलिंग एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर मोबाइल फोन, ओके, तो मतलब आपके पास या तो मोबाइल फोन आपका खो गया है आपका, यस, या इट हैज बीन ब्रोकन ड्यू टू सम रीजंस, और इफ यू आर हैविंग सम अनदर रीजंस टू बाइंग इन न्यू मोबाइल्स. तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम क्या हुआ कि यू आर लुकिंग फॉर द मोबाइल. ठीक है, तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज ऑल अबाउट कि हाउ द प्रॉब्लम विल बी रिकॉग्नाइज. और कंज्यूमर को सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, जैसे भूख लगा तो वो बी रिक्वायर सम फूड्स. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. फर्स्टली वी हैव टू बी रिकॉग्नाइज अवर प्रॉब्लम्स एंड अकॉर्डिंगली विल लुक सम अदर ऑप्शंस. ठीक है, तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज ऑल अबाउट द रिकॉग्नाइजिंग योर प्रॉब्लम्स एंड देर कैन बी वेरियस मैथड्स टू रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम्स. ओके, तो इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू हाउ यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर प्रॉब्लम्स. And second is the information search. Suppose that you are requiring, I'm just giving examples of some electronic companies. If you are requiring some mobile, हमने आपको जैसे बताया आपको मोबाइल का एक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, तो फिर अभी इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे कैसा मोबाइल चाहिए आपको. ठीक है, वट आर द फीचर्स यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि फीचर्स क्या होंगे उसका, उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब आपकी नीड के अनुसार आपकी नीड के अकॉर्डिंगली कौन सा पर्टिकुलर मोबाइल आपकी नीड को फुलफिल कर पाएगा. तो उसके अकॉर्डिंगली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी लुक फॉर सम सर्च ऑफ द इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर हमने लिखा है स्लाइड में, सो वी हैव अ प्रॉब्लम, अवर कंप्यूटर्स नो लॉन्गर वर्क एंड वी नीड टू बाय अ न्यू वन. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर इन दिस स्लाइड. तो व्हाट द सॉल्यूशन, यस, गो आउट एंड परचेज अ न्यू वन. व्हाट विच ब्रांड बेस्ट इन अ सेम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोबाइल. वो जाएंगे मोबाइल ले लेंगे, लेकिन कौन सी ब्रांड का लेंगे, सेली बॉय द सेम ब्रांड एज अ वन, जो पुराना मोबाइल था उसी कंपनी का मोबाइल लेंगे, या वी हैव टू बी लुकिंग फॉर द न्यू मोबाइल न्यू ब्रांड. तो पर्सनल सोर्सेज को फॉलो करेंगे, कॉमर्शियल सोर्सेज के बाद फॉलो करेंगे, पब्लिक सोर्सेज हो गए, एक्सपीरियंशियल सोर्सेज हो गए. तो हम कहीं ना कहीं वी हैव टू बी लुक आउट सम इन्फॉर्मेशन सर्च, व्हाट आर द अल्टरनेटिव, व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिलेटेड विद द दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. क्लियर, जैसे कि हमने आपको बात मोबाइल की एग्जाम्पल दी, तो मोबाइल में क्या फीचर्स क्या चाहिए आपको, कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, क्या क्या मतलब कौन कौन सी उससे रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन सर्च. नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव सर्च इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग. जैसे कि पूरा एक हमने बनाया है पूरा एक चार्ट यहाँ पर, टोटल सेट, अवेयरनेस सेट, कंसिडरेशन सेट, देन च्वाइस सेट, देन डिसीजन. सपोज टोटल सेट में यू आर हैविंग दीज मेनी ब्रांड्स, अवेयरनेस सेट में दीज मेनी ब्रांड्स, कंसिडरेशन में हमने चार को कंसिडर किया, च्वाइस में भी हरा बिंग ओनली थ्री, एंड फाइनली हमको उसमें से कौन सा डिसीजन लेना है. थर्ड हो गया इवेल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, मीन्स वट एवर द अल्टरनेटिव अवेलेबल इन द मार्केट. सपोज देर आर थ्री अल्टरनेटिव और फोर अल्टरनेटिव अवेलेबल इन द मार्केट, तो वॉट वी हैव टू डू, हमको ये देखना पड़ेगा कौन से, क्योंकि आपका एक बजट भी फिक्स होगा, तो आपके बजट के अकॉर्डिंगली किस में वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है. मीन्स यू आर पेइंग लेस, यू आर गेटिंग मोर, दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी. तो इवेल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव का मतलब है कि जितना भी अल्टरनेटिव है आपकी रेंज में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वी हैव टू बी इवेल्यूएट ईच एंड एवरी एलिमेंट. ठीक है, तो इसमें लिखे ही हमें नीड टू एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर द इवेल्यूएशन, फीचर्स, द बायर वॉन्ट और डजंट वॉन्ट. ठीक है, तो कहीं जैसे हमने बताया कि तो व्हाट कंप्यूटर डू बी परचेस, सेल इट बी IBM, एप्पल और डेल. तो कस्टमर्स एलोकेट एट्रीब्यूट्स फैक्टर टू सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक ए पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम विच दे वर्कआउट इन देयर माइंड ओवर विच ब्रांड टू परचेस. मतलब कहीं ना कहीं स्कोरिंग करके उन्हें लगेगा ठीक है इसमें अगर डेल लेंगे तो ये बेनिफिट्स होंगे हमारे, एप्पल लेंगे तो ये बेनिफिट्स होंगे, IBM लेंगे तो ये बेनिफिट्स होंगे. तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक अपना परसेप्शन बना के रखेंगे, वी विल इवेल्युएट ऑल द अल्टरनेटिव्स. ठीक है, तो जैसे मोबाइल जिस चीज की बात करते हैं अपने लैपटॉप्स के, तो पोटेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं,
ठीक है, तो पोटेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे हम लोग उस चारों को, तीनों को, पांचों को, जो भी है व्हाट एवर द आइडेंटिटीज अवेलेबल, उन सबको हम लोग कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंगली. विल इसमें नेक्स्ट में लिखा भी है तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है, हर चीज पे हम लोगों को पता आज के टाइम में वी आर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट इन द ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे कंज्यूमर ब्रांड बिलीव्स अबाउट द कंप्यूटर, मेमोरी कैपेसिटी किसमें क्या है, ग्राफिक कैपेबिलिटीज क्या है, साइज एंड वेट क्या है, प्राइसेस क्या है, तो वी कैन पुट इट डाउन, वी कैन गिव सम पॉइंट्स अकॉर्डिंगली. उन चारों को हमने कैलकुलेट करके एक एवरेज निकाल लिया. ठीक है, नेक्स्ट हो गया स्ट्रेटजी डिजाइन टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट, रीडिजाइन द प्रोडक्ट आफ्टर बिलीव्स, अल्टर द बिलीव्स अबाउट द ब्रांड, अल्टर द बिलीव्स अबाउट द कॉम्पिटिटर ब्रांड्स, अल्टर द इंपॉर्टेंस यू वेटेड, call attention to the neglected attributes, shift the buyer ideas. अब फोर्थ हो गया हमारे बारे में alternatives को evaluate कर लिया सबको पूरा ranking करके. It's totally depending on you what methods you are following to evaluate the alternatives. Fourth method that is called purchase decision. ठीक है, तो purchase में attitude of the others, unanticipated situational factors and finally will make the purchase decision. परचेस डिसीजन कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा इसमें. इंटरमीडिएट्स हो गई, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स हो गए, परसीव्ड रिस्क हम देखेंगे, ब्रांड डिसीजंस की बात करेंगे, वेंडर डिसीजंस की बात करेंगे. जैसे कि हमने बात किया एप्पल ही लेना है, तो एप्पल एक शहर में हो सकता 50-40-50 रिटेल स्टोर पर मिलता हो इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो कहीं ना कहीं हमको कौन सी रिटेल स्टोर से लेना है, क्वान्टिटी कितना लेना है, उसका टाइमिंग्स क्या होंगे, पेमेंट मेथड. तो दीज आर द डिसीजंस वी हैव टू बी मेक्स व्हाइल मेकिंग सम परचेस डिसीजन. गॉट इट? एंड लास्ट हो गया द पोस्ट परचेस बिहेवियर. द पोस्ट परचेस बिहेवियर इज ऑल अबाउट वंस यू बाय एनी प्रोडक्ट, इफ सपोज दैट यू बाय द एप्पल प्रोडक्ट. तो पोस्ट परचेस डिसीजन इज डिपेंडिंग ऑन द सेटिस्फैक्शन एंड द डिससेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि परफॉर्मेंस इज लेस देन एक्सपेक्टेशन, दैट इज कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट. अगर परफॉर्मेंस कम आ रही है आपकी उम्मीद से तो डिसअपॉइंटमेंट होगा. परफॉर्मेंस इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फैक्शन. ये परफॉर्मेंस इज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, दैट इज कॉल्ड डिलाइट, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ऑल्सो ना. तो एक होता है पोस्ट परचेस सेटिस्फैक्शन. तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट होता है. कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? इफ व्हाट एक्चुअली यू परसीव्ड, इफ यू आर नॉट गेटिंग द दोज वैल्यूज विद योर प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं. अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे. कॉग्निटिव डिसोनेंस इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट दैट डिस्क्राइब द अनकंफर्टेबल फीलिंग बिटवीन द व्हाट वन होल्ड टू बी ट्रू एंड व्हाट वन नोज टू बी ट्रू. मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट एक्चुअली यू हैव थॉट, व्हाट एक्चुअली यू गॉट. दोनों के बीच के गैप को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं. नाउ अगेन, हाउ द कस्टमर डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो वी डोंट नीड टू गेट द डिटेल्स. आप देखिएगा प्रोडक्ट, गेट रिड ऑफ इट द टेम्परेरी, गेट रिड ऑफ इट द परमानेंटली, कीप इट, देन रेंट इट. उसको रेंट इट कर दिया, लेंडेड कर दिया. ठीक है, और गेट रिड ऑफ द परमानेंटली हमने उसको क्या करा, या तो गिव इट अवे हो गया, ट्रेड इट हो गया, सेल इट हो गया, थ्रो इट अवे हो गया. तो कीप इट मीन यूज इज टू सर्व ओरिजिनल पर्पज, कन्वर्ट इट टू द सर्व फॉर न्यू पर्पज. हम लोग उस पर्टिकुलर चीज को कुछ कन्वर्ट कर लेते नए पर्पज के लिए, और स्टोर इट. ठीक है, गिव इट अवे एंड ट्रेड इट को और सेल इट को हमने फर्दर वी आर क्लबिंग इन टू बी सोल्ड, टू बी यूज. ठीक है, देन इन अ सेल इट को हम लोग कंज्यूमर को भी दे सकते हैं, थ्रो इट अवे, थ्रो मिडिल मैन भी फेंक सकते हैं, या थ्रो इंटरमीडियरीज भी उसको हम कहीं और आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट हाउ द कस्टमर डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ कंजम्पशन मोटिव्स, व्हाई, व्हाट आर द ऑल अबाउट द कंजम्पशन मोटिव्स. क्यों कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है? स्टेटस के लिए, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए, इंडिविजुअल्स. ओके, तो दीज आर द फैक्टर्स की जिन पर्टिकुलर चीजों के लिए हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं. स्टेटस में देखिए ना, उसके आगे हमने हर चीज के आगे के आपको एग्जाम्पल दे दिया जिससे कि आपको इजिली समझ में आ जाएगा. जैसे स्टेटस के लिए हम लोग एक कार ले रहे हैं, कार में भी एक बड़ी ब्रांड्स ले रहे हैं. सोशल एक्सेप्टेंस के लिए कुछ, ठीक है, कुछ ले लिया हमने. रिवॉर्ड्स के लिए भी हैव टू गिव सम गिफ्ट्स. ठीक है, एक इंडिविजुअल्स के लिए हमने कोई टैटूज बनवा लिए इंडिविजुअल्स की नीड्स को कहीं ना कहीं आपको डिस्प्ले करने के लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट कि लव एंड अफेक्शन के लिए चॉकलेट हो गया, टॉयज हो गए. तो दिस आर द थिंग्स कि कौन सा प्रोडक्ट हमने, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट आर हैविंग द डिफरेंट पर्सनैलिटीज, तो हम लोग वो क्यों खरीदते हैं और क्या खरीदना चाहिए उसके लिए. ठीक है,
vying roles, initiator, फिर influencer, then decider, then buyer, then user, then the gatekeeper. The four types of the consumer buying behaviors. एक routine response हो गया, programmed हो गया, limited decision making हो गया, extensive decision making हो गया और impulse buying हो गया. Routine response in programs is all about the buying behavior, low involvement, frequently purchase a low cost item and needs very little search and decision effort. Purchase almost automatically, example includes soft drink. Means routine response is all about we don't need to pay the higher cost for those product and we don't more effort to buying those products. हम बहुत ज़्यादा search भी नहीं करते हैं, जैसे कि normally का daily use के जो products होते हैं, that is called routine response. Limited decision making is buying product occasionally when you need to obtain information about unfamiliar brands in a familiar product category. Required a moderate amount of time for information gathering. Example include clothes, no product class, but not the brand. मतलब कुछ कपड़े तो हम रोज नहीं खरीदते हैं. Suppose that इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत complex भी हो जाता है, बहुत complex thinking हमारे हम लोगों को एक generate करनी पड़ती है. और हम लोग पता ही कपड़ा खरीदना, but what are the brands? There are n number of the brands available in the market. तो कौन से ब्रांड हमको खरीदना है. बहुत सारे ब्रांड्स हम लोग अनफेमिलियर होते हैं, बट हम लोग प्रोडक्ट्स तो फेमिलियर है. तो कौन से ब्रांड हम लोग खरीदना जो हमारी कैपेसिटीज में, जो हमारी बाइंग पावर में आ जाए. तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड डिसीजन मेकिंग. एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स हाई इन्वॉल्वमेंट अनफेमिलियर एक्सटेंसिव इनफ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक मतलब बहुत कॉस्टली जैसे मकान हो गया, घर हो गया, an education हो गया. If you want to be take the admissions for the MBA or BBA or for any technical program जहाँ पर आपको 4 साल, 2 साल, 3 साल लगाना भी और पैसा भी खत्म करना बहुत ज़्यादा, तो this was a very complex decision actually. तो this is called मकान लेना है, हाउस. तो हाउस तो रोज रोज नहीं लेता, 40 लाख, 50 लाख यू जस्ट नीड टू स्पेंड. तो कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स हाई इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग चीज़ों को सोचते हैं. इम्पल्स बाइंग मतलब नो कॉन्शियस प्लानिंग गए और लेके चले गए. ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स, फोर टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर आई ऑलरेडी टोल्ड यू. बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर एंड द वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर. कॉम्प्लेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है लोगों का, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए दे आर टेकिंग सो मच टाइम. डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, कुछ लोग होते हैं एक डिसीजन उनका बहुत ज्यादा रिड्यूस होता रहा जस्ट बिकॉज दे ऑलवेज फेस सम डिसऑनेस्ट सिचुएशंस व्हाइल बाइंग एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. एवेचुअल वेराइटीज, बहुत डीप में नहीं जाना. थैंक यू सो मच. प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई पेज. इफ एनी बडीज हैविंग डाउट दे मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.